यहाँ पर एक महीना हुआ पानी आया हुआ है, पानी की इतनी दिक्कत है। एमएलए सर आते हैं वोट्स के लिए सिर्फ, यहाँ लोगों की मुश्किलें देखने कोई नहीं आता है। यहाँ कितने दिन हुए पानी आया हुआ है, वो एक गाड़ी भेज देते हैं एक मोहल्ले में। यहाँ हम चाहते हैं कि एमएलए साहब यहाँ पर आके देखें कि यहाँ क्या कंडीशन है लोगों की। एक गाड़ी से सबका गुजारा नहीं होता, यहाँ पे एक गाड़ी आती है लोगों का झगड़ा लग जाता है, किसी को पानी नहीं मिलता, ना पीने के लिए पानी है ना नहाने के लिए। आपको पता है बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बच्चों को पानी चाहिए हर एक चीज़ के लिए, कोई उनके यूनिफॉर्म्स के लिए चाहिए, घर पर कोई बुजुर्ग लोग हैं, कोई बीमार हैं उनके लिए पानी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। डिपार्टमेंट आते हैं बस यहाँ पर आते हैं करते कुरते कुछ नहीं है। यहाँ हम चाहते हैं कि एमएलए यहाँ पर आके देखें, वोट्स के लिए तो बार बार आते हैं चक्कर लगाने, लेकिन पानी के लिए देखने के लिए कोई नहीं आया कंडीशन देखने के लिए। मेरा डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर रहा है, बस सिर्फ आते हैं आश्वासन देते हैं चले जाते हैं। प्लीज़ यहाँ हम चाहते हैं कि वो आकर खुद यहाँ पर आकर देखें कि यहाँ के लोगों की हालत क्या हो रही है। और ये वार्ड नंबर 8 में पड़ता है ओल्डर याड़ी, इसमें आज 3 दिनों के पानी बिल्कुल नहीं है, और हमें नौकरी भी जाना है, बच्चों ने भी स्कूल जाना है, पानी के बिना क्या करेंगे। जो इन्होंने हमारी पुरानी पाइपों का कनेक्शन काट दिया और नई पाइपों से जोड़ दिया, हमारे इधर नई पाइपें तो है नहीं, ना उसमें पानी है ना कुछ, हम करें तो करें क्या, हमें पानी चाहिए। जब हम पीएचई डिपार्टमेंट के पास जाते हैं बोलते हैं आ जाएगा कल आएगा, लेकिन 3 दिनों से बिल्कुल पानी नहीं है। मैं वार्ड नंबर 8 में रहता हूं, पिछले 25 दिनों से इस मोहल्ले में पानी की कोई सप्लाई नहीं है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं उन्होंने एक बार भी यहाँ पे पब्लिक की सुध नहीं ली। ये 5500 वार्ड की हमारी ये वोटिंग स्टेशन है, जहाँ पे जब पोलिंग स्टेशन हुआ तो हर एक घर में सतपाल ने हाथ फुला के वोट मांगे हैं। अब जब उनकी ज़रूरत है उनकी डिमांडों को पूरा करने में वो सफल रहे हैं। किसी भी वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी वार्ड में चले जाओ सतपाल के अगेंस्ट उनसे कोई खुशी नहीं है, वो सिर्फ एक ही बेल्ट को तालाब तुलों को पकड़े बैठे हुए हैं, जहाँ पर उनको फूल माले दी जा रही हैं और वहाँ पर उद्घाटन और पैसा लगाया जा रहा है। यहाँ पर वार्ड नंबर 8 में अगर एक वार्ड में 80 लाख रुपये सरकार ने मंजूर की होगी पीएचई की कोई समस्या है तो वहां पे 80 लाख का यूटिलाइजेशन किया जाए, मगर यहां पे एक 80 लाख तो दूर की बात है, तो यहां पे एक रुपए का खर्च नहीं किया गया। और यहां पे दौरा किया पब्लिक को बता के गए कि मैं 18 तारीख से 22 फ्लैट यहां पे आया हूं आपसे मिलने के लिए, सिर्फ 4 बंदों के घरों में जाके हमारी डिमांड है, हमारे ट्यूबवेल यहां पे हो और यहां पे पानी आना चाहिए इमरजेंसी, रातों रात पैपे हमारी नहीं लगे, नई पैपे लगे और घरों के लोगों के घरों में कनेक्शन जाए पानी का, और लोग पानी जो खज्जल हो रहे हैं वो खज्जल होना बंद करें।